सो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे हम LZW कोडिंग परफॉर्म करेंगे ऑन अ गिवन स्ट्रिंग। नाउ या हमारे पास एक गिवन स्ट्रिंग है जिसे हमें एनकोड करना है यूजिंग LZW कोडिंग, और हमारे पास गिवन डिक्शनरी है जिसमें रहेंगी इंडेक्स वैल्यू और रहेगी एंट्रीज। हमारे पास इंडेक्स वैल्यू ए बी सी है, ए बी डब्ल्यू सॉरी, ये हमारे और ये चीज़ें हमें गिवन रहेगी, सीक्वेंस गिवन रहेगा या फिर स्ट्रिंग गिवन रहेगी, और एक प्रीडिफाइंड डिक्शनरी गिवन रहेगी। इस डिक्शनरी को यूज़ करके हमें इस स्ट्रिंग को एनकोड करना है यूजिंग LZW कोडिंग। तो सबसे पहले हमें एक टेबल जनरेट करना पड़ेगा जिसमें रहेंगे तीन कॉलम्स। सो पहला कॉलम रहेगा एनकोडेड आउटपुट, दूसरा रहेगा डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर रहेगा इंडेक्स नाम का एक कॉलम और एंट्री नाम का एक कॉलम। सो बेसिकली हमारे पास तीन कॉलम्स है, एनकोडेड आउटपुट, इंडेक्स और एंट्री, जो कि आते हैं डिक्शनरी के अंदर। सो ये हो गया तीन कॉलम्स। सो हमें इन तीन एंट्रीज को लेके हमें इस स्ट्रिंग को एनकोड करना है। ये हमारा बेसिक रूल है या फिर बेसिक हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन है। इनिशियली हम इन तीनों वैल्यूज़ को जैसे के वैसा यहाँ पे लिख देंगे और उनको एनकोडेड आउटपुट में डैश कर देंगे क्योंकि इनको एनकोडिंग की ज़रूरत नहीं है, इनको यूज़ करके हमें इसे इनकोड करना है। तो सबसे पहले हम एंट्री लेंगे या फिर सबसे पहले हम कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग में से चूज़ करेंगे जो कि है डब्ल्यू। यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, सबसे पहले हम कैरेक्टर लेंगे डब्ल्यू और देखेंगे हम कि इस इंडेक्स एंट्री टेबल में उसकी मतलब उसके लिए कोई इंडेक्स एंट्री है कि नहीं। तो डब्ल्यू हमने चूज़ किया, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि W के लिए यहाँ पे इंडेक्स एंट्री है। तो हम W के साथ और कुछ लेंगे, तो W के साथ सामने क्या है, W A है। W A के लिए कोई एंट्री है कि इन तीनों में, नहीं है, तो हम W A की एंट्री बनाएंगे जिसको हम इंडेक्स वैल्यू 4 देंगे। ठीक है, तो W A में से हमारे पास W की इंडेक्स वैल्यू है, तो हम W की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 3। तो हम 3 की वैल्यू हम एनकोडेड आउटपुट में लिखेंगे। ठीक है, और एक बार बताता हूँ, हम पहला कैरेक्टर लेंगे W, हम इस टेबल में देखेंगे कि उसकी कोई एंट्री है क्या, अगर है तो उसके आगे वाला कैरेक्टर लेंगे, अगर नहीं है तो हम उसकी नई एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पे थी तो हमने आगे वाला कैरेक्टर लिया, तो वो हुआ डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए की एंट्री है क्या यहाँ पे, इसमें नहीं है, तो इसलिए हमने नई बनाई, उसको इंडेक्स नंबर 4 दिया, और डब्ल्यू ए में जो स्टार्टिंग का डब्ल्यू था उसकी एंट्री थी, तो इसलिए हमने एनकोडेड आउटपुट में उसका इंडेक्स नंबर दे दिया। ठीक है, अभी हमारे पास W की एंट्री होगी, तो हमारे पास बचा A, तो हम A से आगे बढ़ेंगे, तो ये एनकोड हो गया, A बचा, तो A के आगे क्या है, तो सिर्फ A है, तो A की एंट्री यहाँ पे है, तो हम उसके आगे वाला भी देखना पड़ेगा, तो आ गया B। ए बी की एंट्री है क्या, नहीं है, तो फिर हम ए बी जाएंगे यहाँ पे, तो हम ए बी की इंडेक्स वैल्यू 5 यहाँ पे बना देंगे, और इसमें से स्टार्टिंग कैरेक्टर जो है ए, इसकी इंडेक्स एंट्री ऑलरेडी है, तो उसका जो इंडेक्स एंट्री हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हुआ 1। तो हमारे पास फिर से ए की एनकोडिंग हो गई, तो अभी हमारे पास बचा बी, तो अगेन बी यहाँ पे है, तो उसके सामने वाला लेना पड़ेगा, तो हो गया बी बी। बी बी नहीं है, तो उसकी एंट्री कर देंगे 6, और फिर से फर्स्ट बी की एंट्री है यहाँ हमारे पास, तो हम इसको एनकोडेड आउटपुट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये फिर से ये भी बी हो गया। अब फिर से देखेंगे बी, तो उसकी एंट्री ऑलरेडी है इसमें, तो इसलिए फिर उसके आगे वाला देखेंगे, तो हो गया बी ए। बी ए नाम की एंट्री है क्या, नहीं है, तो हम उसके क्रिएट कर देंगे 7। इसमें से स्टार्टिंग कैरेक्टर बी है, तो बी की एंट्री हमारे पास है, तो फिर से आ गया 2, ये भी बी हो गया। अब उसके बाद बचा ए, ए की इंडेक्स एंट्री है, तो उसके साथ हमें और कुछ लेना पड़ेगा, तो हो गया ए डब्ल्यू। ए डब्ल्यू की एंट्री है क्या, नहीं है, वापस ए डब्ल्यू लेंगे, उसको बना देंगे 8। ठीक है, इसमें से ए की एंट्री हमारे पास है, तो यहाँ पे जाएगा वो एनकोडेड आउटपुट में। ठीक है, अब बात आती है, ए भी एनकोड हो गया, अब आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू की एंट्री है, उसके सामने वाला हम देखेंगे डब्ल्यू ए। अब हमारे पास डब्ल्यू ए की एंट्री है, तो हम उसे भी फिर से नहीं कर सकते, तो उसके और आगे वाला देखेंगे डब्ल्यू ए बी। डब्ल्यू ए बी की एंट्री है क्या, नहीं है, डब्ल्यू ए बी की एंट्री हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसको नंबर देंगे 9, और हमारे पास इस बार डब्ल्यू ए की वैल्यू अवेलेबल है यहाँ पे 4, तो हमारे पास इंडेक्स एंट्री आएगी ये वाली 4। यहाँ से मतलब इस यहाँ पे जो जनरेट होगा उसके यहाँ से जो भी सब्स्टिट्यूट होगा उसकी इंडेक्स एंट्री की वैल्यू हम एनकोडेड आउटपुट में रह लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अभी W A दोनों एनकोड हो गए क्योंकि हमने दोनों को एनकोड कर लिया यहाँ पे, तो हमारे पास बचा B, तो उसके बाद आएगा B, यहाँ पे इंडेक्स एंट्री है तो नहीं, उसके साथ और एक कोई तो भी चाहिए, B B।
बीबी की एंट्री है हमारे पास, तो और एक कुछ तो भी चाहिए, तो बीबी ए, पूरा तीनों के तीनों ले लिया, ठीक है। तो बीबी ए इंडेक्स एंट्री 10 हुई, और हम इस बार बीबी को सब्सिट्यूट करेंगे क्योंकि हमारे पास बीबी की वैल्यू है ऑलरेडी, तो बीबी की वैल्यू है 6, तो हमने 6 को सब्सिट्यूट कर दिया। अभी आखिरी में यहाँ पे वैसे ये स्ट्रिंग पूरी एंड हो गई, सिर्फ ए बचा है, तो सिर्फ ए बचेगा, उसकी इंडेक्स एंट्री करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और उसकी इंडेक्स एंट्री वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पे हमारी एनकोडिंग खत्म हो गई, ए भी खत्म हो गया। तो ये जो हमारी वैल्यूज रहेगी ये बेसिकली हमारी एनकोडेड वैल्यूज रहेंगी। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, फॉर दिस गिवन स्ट्रिंग यूजिंग दिस डिक्शनरी आपकी एनकोडिंग वैल्यू आती है 312 21 461। सो ये हमारी बेसिकली सीक्वेंस वैल्यू है फॉर दिस गिवन स्ट्रिंग यूजिंग दिस डिक्शनरी। तो ये बेसिकली बहुत ईजी है एलजीडब्ल्यू कोडिंग। एलजीडब्ल्यू स्टैंड फॉर लैम्पल ज़िव वेल्श कोडिंग, और बेसिकली हमें इसमें हमें सिर्फ यही देखना पड़ता है कि जो गिवन स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं या नहीं डिक्शनरी में। अगर करते हैं तो उसके साथ कोई और कैरेक्टर लेंगे, उसे हम उसमें इंक्लूड करेंगे, और आगे के कैरेक्टर्स ऐसे हम सब्सटीट्यूट करते जाएंगे ताकि हमारा यहाँ पे एनकोडिंग हो सके। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को कमेंट्स में ज़रूर कोई आपकी क्वेरीज होगी तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू।